टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण आज के इस दौर में हम बहुत सारे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा उपयोग हम मोबाइल और कंप्यूटर का करते हैं, और इन दोनों को हम इनके फीचर को देखते हुए खरीदते हैं, इनकी खासियत को ध्यान में रखते हुए खरीदते हैं। इनमें से एक होता है प्रोसेसर, जो मोबाइल में भी लगा होता है और कंप्यूटर में भी लगा होता है। और आज क्विक सपोर्ट इस वीडियो में आपको इसी प्रोसेसर के बारे में बताने जा रहा है कि प्रोसेसर क्या होता है और इसकी पूरी जानकारी, व्हाट इज प्रोसेसर विथ फुल इंफॉर्मेशन। तो आइए जानते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होती है जो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट एक्सेट्रा में लगी होती है, और ये इन सभी गैजेट्स का एक प्रमुख अंग होती है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच होने वाली गतिविधियों को समझता है। प्रोसेसर हमारे और कंप्यूटर के बीच होने वाली हर गतिविधि को समझता है, तब जाकर ही कंप्यूटर हमारी दी गई कमांड को समझ पाता है और उस पर कार्य कर पाता है। और जब तक कंप्यूटर हमारी दी हुई कमांड को ही नहीं समझेगा, तब तक कंप्यूटर पर हम काम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप इसको कुछ इस तरह समझिए कि जैसे दो बंदे खड़े हैं, एक को हिंदी आती है और दूसरे को जापानी। ऐसे में वो तभी बातचीत कर सकते हैं जब दोनों किसी एक भाषा को समझते हों, वरना वो समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो इस तरह से दोनों बंदों के बीच बातचीत करने का जरिया बनती है इंग्लिश भाषा, जिससे वे दोनों एक दूसरे की भाषा समझ पाते हैं। तो जिस तरह इंग्लिश उन दोनों को समझने का माध्यम बनी, उसी प्रकार से हमारे और कंप्यूटर के बीच का माध्यम है प्रोसेसर, जो कंप्यूटर को हमारी कमांड समझाता है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर वही कार्य करता है जो हम उसको कीबोर्ड या माउस की मदद से निर्देश देते हैं। इसीलिए प्रोसेसर को CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, और इसको कंप्यूटर या मोबाइल का दिमाग भी माना जाता है। जब भी प्रोसेसर की बात आती है तो कोर भी सामने आता है, जैसे कि प्रोसेसर कितने कोर का है। तो आइए एक नजर डालें प्रोसेसर के कोर पर। प्रोसेसर में कोर क्या होता है? दरअसल कोर प्रोसेसर की क्षमता को दर्शाता है कि प्रोसेसर कितनी क्षमता वाला है। यदि प्रोसेसर सिंगल कोर का होगा तो वो हेवी काम नहीं कर पाएगा और हैंग हो जाएगा। इसीलिए महंगे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर वाला प्रोसेसर डाला जाता है, जिससे इसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। कोर कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला ड्यूअल कोर प्रोसेसर, मतलब 2 कोर। दूसरा क्वाड कोर प्रोसेसर, मतलब 4 कोर। तीसरा हेक्सा कोर प्रोसेसर, मतलब 6 कोर। चौथा ऑक्टो कोर प्रोसेसर, मतलब 8 कोर। पांचवा डेका कोर प्रोसेसर, मतलब 10 कोर। प्रोसेसर का मात्रक गीगाहर्ट्ज होता है, यानी इस तरह पानी को लीटर, दूरी को मीटर, चीनी को किलोग्राम, बिजली को वाट में नापा जाता है, उसी प्रकार से प्रोसेसर को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो जितना ज्यादा कोर का प्रोसेसर रहेगा, उसकी क्षमता भी उतनी ज्यादा गीगाहर्ट्ज रहेगी और वो उतना अच्छा काम करेगा। यही वजह है कि लोग अच्छा प्रोसेसर वाला लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल खरीदते हैं। प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी, वैसे तो प्रोसेसर बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, जिनमें से जो प्रमुख है उनकी लिस्ट मैं आपको नीचे दे रही हूँ। पहला इंटेल, दूसरा AMD, तीसरा क्वालकॉम, चौथा NVIDIA, पांचवा IBM, छठा सैमसंग, सातवा मोटरोला, आठवा हेवलेट पैकर्ड यानी HP। इसमें इंटेल और AMD की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि ये दोनों कंपनीज अच्छा प्रोसेसर बनाती हैं और निरंतर प्रोसेसर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगी होती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस बेल बटन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।